छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं कर जा रहा हूँ। और राम सिंह टाइम क्यों है? और टाइम क्यों है? पौने दो। ओ गड्डी तो टाइम हो गया। चंगा जी राम राम। राम 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 राम। और रंजीतिया और रंजीत पाजी, ओ मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहा है, मैं बापू नू कुछ कहना? कह देना जी, सब ठीक। चंगा जी, चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ओए मंजीतिया मंजीतिया, हाथ मिला हाथ मिला, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहे मैं। चंगा कैसे दी तो बन गई छुट्टी। हाय हाय, मुंह लटका के बैठन वाले, बैठो, मैं तो चलिया घर। ओ सुखदेवा, ओ सुखदेवा, कार जा रहा मैं, घर वालों को कुछ कहना? कह दियो साहब, चिट्ठी लिखते रहन। चंगा चंगा, राम राम जी, मैं जा रहा। रतन सिंह जी, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई। चल अच्छा हुआ, छुट्टी मिल गई ना तुझे, जा अपनी बीवी को संभाल। मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का यह बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। बता, अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बता, ऐसा जंग किधर जीतोगे आप? मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से।